हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। उम्मीद कर रहा हूं लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पिछला चैप्टर भी खत्म कर लिया था। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, और ये भी सिंगल लेक्चर में खत्म हो जाएगा। चलिए, अगेन इस चैप्टर में हमारे पास टोटल 8 ड्रग्स हैं और केवल एक ड्रग ऐसी है जिसको स्टार लगा हुआ है, मतलब केवल उसी ड्रग का हमें केमिकल स्ट्रक्चर और नेम अच्छे से पढ़ना है क्योंकि वो एग्जाम में आएगा। बाकी के हमने नेम और स्ट्रक्चर मैंने कराए जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा अब उसमें पढ़ने लायक पड़ता नहीं है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। आज की हेडिंग क्या है हमारी? डायुरेटिक्स। डायुरेटिक्स का जिक्र मैंने लास्ट चैप्टर में कर दिया था, जिन लोगों ने देख लिया होगा उन लोगों को समझ में आ रहा होगा डायुरेटिक्स क्या होते हैं। तो आओ देखते हैं डायुरेटिक्स क्या चीज है। तो बच्चों डायुरेटिक्स की बात करें तो डायुरेटिक्स क्या होता है? Diuretic is any substance, कोई भी substance that promotes, promotes मतलब जो बढ़ाए किसी चीज को, promotes मतलब जो किसी चीज को बढ़ाए, promote करे, ठीक है ना? तो that promote diuresis, क्या promote कर रहा है? Diuresis, diuresis का मतलब क्या है? अधिक पेशाब होना। तो शब्दों का ज्ञान जितना अच्छा हो जाएगा फार्मेसी उतनी ही आसान हो जाएगी, है ना? तो शब्दों का ज्ञान लेते चलें और कोशिश करें इसको लिखते चलें, और जो लोग पहले ही जिनके पास फैसिलिटी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में जाके नोट को डाउनलोड कर लें और फिर साथ साथ में लेक्चर देखें, और भी ज्यादा मजा आएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अधिक पेशाब होना। अ डायुरेटिक टैबलेट, क्या कह रहा है? अ डायुरेटिक टैबलेट इज समटाइम्स कोलोक्वियली, अगेन एक अंग्रेजी का शब्द है कोलोक्वियली, यानी कि बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं उसे, कॉल्ड अ वाटर टैबलेट। हम कहते हैं वाटर टैबलेट कि भैया एक वाटर टैबलेट दे देना। वाटर टैबलेट मतलब जो तुम्हारी बॉडी से वाटर को बाहर निकाल देगी। बात समझ में आ रही है? चलिए बढ़िया, आगे आते हैं। देयर आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ डायुरेटिक्स। डायुरेटिक्स की बहुत सारी कैटेगरीज है, ठीक है, समझेंगे अभी। ऑल डायुरेटिक इंक्रीज द एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की हिंदी लिख ले बच्चे लोग, एक्सक्रीशन मतलब किसी चीज को बॉडी से बाहर निकालना। एस्क्रीट मतलब एक तरह से बॉडी के अंदर से किसी चीज को बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एस्क्रीशन। तो एस्क्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, यानी कि क्या निकाला जा रहा है? बाहर निकाला जा रहा है किसको? पानी को। शब्द लिखते जाने आसानी हो जाएगी। थ्रू द किडनी, किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। देयर एग्जिस्ट सेवरल क्लासेस ऑफ डायुरेटिक्स। डायुरेटिक की कई सारी क्लासेस मौजूद है। क्लास में समझते हो ना, अलग अलग जिन फंक्शनल ग्रुप के जो कंपाउंड होंगे जो एज अ डायुरेटिक काम करेंगे, ओके, एंड ईच वर्क इन डिस्टिंक्ट वे, और हर कोई अपना अलग तरीके से काम करती है। देखो काम करने का तरीका अलग क्यों है? क्योंकि जो पेशाब बनने का जो प्रोसेस है ना, टॉयलेट बनने का काफी लंबा चौड़ा होता है, तो वो कहीं पे भी काम कर सकती है। जहां पे काम, कोई यहाँ काम करेगी, कोई स्टार्टिंग, कोई बीच में, जो जहां काम करेगी उसके हिसाब से हर किसी का काम करने का तरीका अलग हो जाएगा, समझेंगे उस चीज को भी। अब क्या कह रहा है? An antidiuretic such as vasopressin. यहाँ पे antidiuretic का भी उसने जिक्र कर दिया कि एक antidiuretic क्या होती है, जैसे कि vasopressin antidiuretic hormone है। vasopressin क्या है? Hormone है जो हमारे brain से निकलता है। is an agent or drug which reduces excretion of water in urine. ये उल्टा काम करता है। अगर हम antidiuretic की बात करें, जो कि हमें हमारे कोर्स में नहीं है, बट एक छोटा सा बात करें, अगर वैसोप्रेसिन जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में अगर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो हमारे को बॉडी में पेशाब करने की प्रोसेस बहुत धीमा कर देगा वो, ठीक है ना? कॉमन यूज ऑफ डायुरेटिक, देखो बच्चे यहाँ पर ना एक बड़ी मजेदार चीज है, ये जो कॉमन यूज बता रहा हूं मैं, अगर ये यूज केवल यही यूज पढ़ लो तुम लोग, तो डायुरेटिक ड्रग्स में केवल यही यूज लिख के चले आओगे ना, किसी भी आर्ट के आर्ट में सब में काम करेंगे। ये बड़ी मजेदार चीज है। एक दो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, मैंने यही कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, ठीक है ना? तो इस पूरे आठों के आठ ड्रग में एक तो इनका स्टोरेज और स्टेबिलिटी पूरा कॉमन है। मैंने चेक किया ऊपर से नीचे तक, साइड से अलग से चेक किया, वो कॉमन रहने, मैं पहले चेक कर लेता हूं, ऐसे ही मन से छाप दिया, सबका सेम है, तो सेम है यूजर्स, सबके सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना? तो क्या है इसका कॉमन यूज? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में कैसे ट्रीटमेंट होगा भाई? हाइपरटेंशन बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ना है मतलब कि बॉडी के अंदर एक तरह से पानी की मात्रा बढ़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं? डायलिसिस ले लेते हैं। उससे क्या है, बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी है वो
बॉडी से बाहर हो जाता है और हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर में कमी आ जाती है। ठीक है ना, ये क्यूब यूज का मतलब क्या हो गया, ये अल्टीमेट बात किया कि आखिर हम डायबिटीज ले क्यों रहे, क्या जरूरत है कि बॉडी से पेशाब ज्यादा बाहर निकले या बॉडी से पानी को बाहर निकाल दे। तो एक तो बीपी को कम करने में काम में आता है, दूसरा मोबिलाइजेशन ऑफ एडिमेटस फ्लूइड। बच्चों एडिमेटस का मतलब समझ लिख लो, सूजन। जब सूजन हो जाती है तो सूजन में मांसपेशियां नहीं फूलती हैं, वहां पर आकर के सेल से टिश्यू से पानी बाहर निकल आता है और वो वहां पर आके भर जाता है। जब वो भर जाएगा तो वहां पर उतनी चीज क्या होती है, फूल जाती है। ठीक है, सूजन आ जाती है। तो सूजन के लिए टर्म होता है वैसे ओडेमा होता है, एडिमा होता है, यहाँ पे एडिमेटस बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सूजन के लिए वर्ड क्या होता है, एडिमा। ठीक है ना, उसी से वर्ड बन गया एडिमेटस फ्लूइड, यानी कि सूजन वाला जो फ्लूइड होता है, कई बार किसी का हाथ पैर चेहरा फूल जाता है तो इसलिए फूल जाता है कि वहां के टिश्यू से और सेल से पानी बाहर निकल आता है और हमारा चेहरा या हाथ सूज जाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मोबिलाइजेशन मतलब चलाने के लिए, मोबाइल करते, मोबाइल मतलब चलने वाला, जो सूजन वाला फ्लूइड है पानी है उसको मोबाइल कर देना, चला देना ताकि वहां से वो निकल जाए। ठीक है, निकल के कहां आएगा, यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। देयर आर मेनी कॉजेस ऑफ, कई सारे कारण हैं एडिमेटस स्टेट्स के, यानी कि सूजन आने के बहुत सारे कारण होते हैं, बट दे शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, बट दे शेयर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। सूजन चाहे किसी वजह से आ जाए, सब में एक चीज कॉमन है, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी वाटर इज altered, altered मतलब बदल जाना। बॉडी के अंदर जो पानी का रेशियो है, कहीं जहां पे जितना होना चाहिए कहीं कम होना चाहिए, कहीं ज्यादा होना चाहिए, ये बदल जाता है। जहां कम होना चाहिए वहां ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ज्यादा वाली जगह से निकल के उस जगह पे आ गया। पानी होना चाहिए ब्लड के अंदर, है ना, पानी खून और पानी दोनों होता है, वो निकल के बाहर आ गया। साइटोप्लाज्म के अंदर पानी रहना चाहिए, वो निकल के बाहर आ गया। जब ये सारे पानी निकल निकल के बाहर आ जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बिगड़ गया, जहां होना चाहिए पानी को पानी वहां पर नहीं है, पानी निकल करके बाहर आ गया। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी वाटर इज altered, जहां जहां पानी होना चाहिए, यानी कि ठीक है ना, करेक्टेड दैट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी वाटर, बॉडी के वाटर का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां जहां पानी होना चाहिए वो बिगड़ जाता है। कॉमन कॉजेस ऑफ एडिमा, सूजन के कॉमन कारण क्या है, हार्ट फेलियर, है ना, हार्ट प्रॉपर काम नहीं, फेलियर का मतलब ये नहीं अटैक करके मर गया, मर जाएगा तो आदमी कैसे काम करे, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट अपना काम करने में फेल हो गया है, सक्षम नहीं है, वो कुछ गड़बड़ कर रहा है ना, प्रॉपर ब्लड की पंपिंग नहीं हो पा रही वगैरह वगैरह। किडनी का फेलियर हो जाए, किडनी को जिस तरह से पानी को फैल पड़ेंगे, किडनी का पूरा फंक्शन पड़ेंगे, किडनी को बॉडी के अंदर से पानी को बाहर निकालना होता है, वो प्रॉपर निकाल नहीं पा रहा है, वो पानी बॉडी के अंदर ही है। या लिवर फेलियर हो जाए, ठीक है, लिवर के जो टिश्यूज वगैरह होते हैं उनमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, बॉडी के अंदर जगह जगह पर पानी भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट यूज टू प्रिवेंट रीनल फेलियर, है ना, अगर किडनी अपना प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है और पानी इकट्ठा होगा तो जोर पड़ता है किडनी ऊपर और किडनी फेल हो सकती है, उसके लिए भी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग इस डायबिटिक का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉमन यूज, आखिरकार मुद्दा यह है कि हम डायबिटिक को यूज करते क्यों है, क्यों हमको बॉडी से पानी को बाहर निकालना है, या पेशाब को बढ़ा करके, पेशाब की मात्रा को बढ़ा करके हम अपनी बॉडी के अंदर किस चीज को ठीक कर सकते हैं, ये तीन चीजें हैं। अब बात समझ में आ गई होगी हम डायबिटिक क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों लेते हैं। ओके, क्वेश्चन, अब सवाल है, हाउ डू डायबिटिक प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, आखिरकार डायबिटिक पानी को बॉडी से एक्सक्रीशन लिख लिया ना, तो पीछे एक्सक्रीट जो वर्ड था वहीं से एक्सक्रीशन आ गया, प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, हिंदी लिखते चलो, अगर नोट्स नहीं है तो कॉपी ले लो, क्योंकि बार बार प्रमोट वर्ड आएगा, ठीक है ना, अगर लगता है कि मैं थोड़ा तेज हो गया पॉज कर लो, ठीक है ना, पॉज करके समझ लो लाइन को फिर प्ले कर लो। ओके, हाउ टू डायबिटिक प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, वाटर के एक्सक्रीशन को डायबिटिक कैसे प्रमोट करते हैं, तो कह रहा है बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। अब ये कहानी है ना, यहाँ पे देखो, चाह करके भी मैं यहाँ पर इसकी हिंदी समझाऊंगा मैं भी, लेकिन कोई शुद्ध हिंदी लिखना चाहूंगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। कारण क्या है, कह रहा है बाय रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग मतलब जिनको रिड्यूसिंग में दिक्कत है वो लोग रिड्यूसिंग हटा दें और यहां लिख लें बाय डिक्रीजिंग, जिनकी अंग्रेजी थोड़ी सी भी वीक लग रही है तो बाय डिक्रीजिंग का, रिड्यूसिंग का मतलब भी डिक्रीजिंग होती है, देखो
रख ले, अदरवाइज क्या लिख ले यहाँ पे, बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के अमाउंट को कहां से रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट। अभी ट्यूबुलर फिल्ट्रेट क्या होता है बच्चों, पूरी कहानी अभी समझेंगे हम लोग। जो हमारी बॉडी में, अभी तक ऐसा समझ लो हमारी बॉडी में किडनी क्या करती है, पानी को छानती है, सॉरी ब्लड को छानती है। ब्लड को जब छान रही होती है तो बहुत सारा पानी निकल के बाहर आ जाता है, ब्लड जा रहा है छनता हुआ, पानी बहुत सारा निकल निकल के बाहर आ रहा है। अभी किडनी में ही है वो पानी, ठीक है ना। तो ये जो बहुत सारा पानी निकल के बाहर आ जाता है, ये बॉडी हमारा अगर एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल आए तो बॉडी उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये दवाइयां क्या करेगी, उसको रीअब्सॉर्ब, यानी कि वापस से रीअब्सॉर्ब कर रही है, वापस से उसको एब्जॉर्ब कर रही है, तो टर्म आता है रीअब्सॉर्प्शन, समझेंगे अभी इसको। तो जो वापस से किडनी से पानी खींचती है हमारी बॉडी, इसको रोक देगा ये दवाइयां, और ये चीज जैसे रुकेगी तो हमारी किडनी से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी बाहर निकलेगा। तो आओ इस सवाल को समझने के लिए चलते हैं, लेट्स रिव्यू, आओ समझ लें, रिव्यू करें थोड़ा सा फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। व्हाट इज द नेफ्रॉन, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। नेफ्रॉन को समझना पड़ेगा, जैसे कि हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होता है जो सारे काम करता है, किडनी के अंदर पूरा यूरिन बनाने का काम जो सेल करते हैं उनका नाम क्या है, नेफ्रॉन। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन, है ना, कि आखिरकार ये दवाइयां कैसे काम करेगी, उसको समझने के लिए हमें किसको समझना पड़ेगा, नेफ्रॉन को। क्यों समझना है मोड ऑफ एक्शन, देखो मैं बच्चों को बता दूं मोड ऑफ एक्शन अपने कोर्स में नहीं है, बट अगर हमको समझ में ही नहीं आएंगी चीजें की हो कैसे रही है तो थोड़ा पढ़ने में अटपटा लगता है, ठीक है। फिलहाल जितना बता देना उतना काफी है, सेकंड क्लास में जब तुम लोग कोलोजी वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर फुल डिटेल में चीजें आएंगी, तब उसको समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले देखो बच्चों एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं, मैं स्टार्टिंग से लेके आ रहा हूं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो जाए एक पिक्चर की तरह, है ना। 3 घंटे की मूवी देख के बाहर निकलते हो तो डायलॉग के साथ साथ पिक्चर पूरी दिमाग में रहती है, तो मैं पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आओ देखते हैं कि आखिरकार नेफ्रॉन क्या चीज है, ठीक है ना, और वो किस तरीके से किडनी में मौजूद है और कैसे काम कर रही है। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड फॉर यूरिन फॉर्मेशन, इसको समझना है हमको। तो देखो किडनी हमारे बॉडी में कुछ इस तरह से रहती है, सबको पता है, एक लेफ्ट एक राइट पीछे की तरफ रहती है, ये किडनी है। अगर प्रॉपर इसके स्ट्रक्चर में चले जाओगे तो इसी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती है, इसी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती है ना। ग्लैंड कौन सी होती है, वो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड रहती है। फिलहाल उसका यहाँ पे अभी हमारे पास कोई काम नहीं है, बस जस्ट बता दिया मैंने। तो राइट किडनी लेफ्ट किडनी, ठीक है ना, एक ये मेरे पास आर्टरी है, आर्टरी मतलब ये वो वाला ब्लड वेसल है जो किडनी के अंदर हमारे खून को लेके जा रही है छनने के लिए, जब छन जाएगा तो छना हुआ खून फिर वापस यहां से आ जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब बात करते हैं यहां से, सॉरी ये गलत आ गया मेरे पास, एरो गलत बना दिया मैंने, छना हुआ खून मेरे पास ये यहां से वापस आ जाता है, ये है ना, फिर ऊपर चला जाएगा, और जो टॉयलेट बन के तैयार हुई, जो पेशाब बन के तैयार हुई है वो इनके रास्ते, अच्छा टॉयलेट ऐसे नहीं बहुत सारे बन जाते हैं, बूंद बूंद करके बनती है वो, इनके रास्ते होती हुई नीचे आती है। ये क्या है, ये दो यूरेटर है, एक ये और एक ये, क्या है ये यूरेटर, ये दोनों यूरेटर जाकर के ब्लैडर, है ना, दिस इज द ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर कहते हैं, इसके अंदर धीरे धीरे इकट्ठी होती है और ये फाइनली आगे जाकर के, ठीक है, पेनिस, यानी कि पेनिस के अंदर से जो रास्ता होता हो जाता है मेल्स के अंदर, या जो फाइनल जो पाइप होता है जिससे यूरिन बाहर निकलती है बॉडी से, इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है ना, यूरेथ्रा दो होते हैं ऊपर, देन ये यूरेथ्रा होता है। ये बात समझ में आ गई, किडनी समझ में आ गई। अब देखो बच्चों ये किडनी है ना इस तरह से बीन शेप की है ना, कैसा देखो बीन राजमा जो होता है ना, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे लंबा लंबा काट दूं, ऐसे ऐसे लंबा लंबा काट दूं, तो देखो इसके अंदर हमको, जैसे ही मैं इसको लंबा लंबा काटूंगा तो इसका किडनी के अंदर हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर नजर आएगा। कहां गया ये रहा किडनी के अंदर, जैसे ही मैं इसको लंबा लंबा काटूंगा बच्चों, ठीक है, जैसे ही मैं इसको लंबा लंबा काटूंगा किडनी के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, समझते हैं ना, पिक्चर सेट हो रही है किडनी की, उसको लंबा लंबा काटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया, ठीक है। यहां से अनफिल्टर्ड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड के अंदर हमारी बॉडी ने सारा कचरा ला करके डाल दिया है, ठीक है, वो यहां से अंदर एंट्री मारेगा, एंट्री मार करके
फिर यहां पर जाएगा और इसके अंदर यहां पर ना एक खास तरह के सेल्स नजर आएंगे, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। ये स्ट्रक्चर देख करके अब कह रहे हो हाँ सर ये तो हमने पढ़ा है ना, बस इसी को समझना है। ये समझ में आ जाएगा तो ये चैप्टर खटाक से उड़ जाएगा, इसको समझना पड़ेगा वरना मजा नहीं आएगा। आओ समझते हैं, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से ब्लड अंदर गया, अनफिल्टर्ड ब्लड, यानी कि भाई ब्लड के अंदर क्या था, सेल्स वगैरह ने जितनी भी गंदगी थी वेस्ट मटेरियल था सब डाल दिया उसके अंदर, जितना भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमारी बॉडी क्या करी, खा गई प्रोटीन ले लिया, प्रोटीन में से जो बाय प्रोडक्ट रिएक्शन होती है ना हमारी बॉडी में, उसमें बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमारी बॉडी की मेन क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिन, यूरिया पेशाब से निकलती है ना, तो ये सारे क्या है बाय प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, नुकसान करेंगे अगर इकट्ठे हो गए तो किडनी इनको फिल्टर करती रहती है। तो देखो यहां से जाती है ये और यहां पर एक खास तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो ऐसे नजर नहीं आ रहा है, इसको मैग्नीफाई कर दिया, बड़ा करके दिखाया तो कुछ ये ऐसा नजर आ रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो यहां पर हो क्या रहा है, इसको समझते थोड़ा सा। देखो ये क्या है, अनफिल्टर्ड ब्लड, ये जाता है यहां पर और ये जो देख लो ये अंदर का जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं ग्लोमरुलस, तब समझते चलो, ठीक है ना, ये ग्लोमरुलस है, ठीक है ना। और नीचे क्या होता है, ये इसको कहते हैं बोमन कैप्सूल, बोमन कैप्सूल, ठीक है ना। अब देखो जरा होता क्या है, इसके अंदर जब ये जाता है तो यहीं पर ही जो ये देख रहे हो इसी के अंदर यहीं पर ही सारा का सारा जो ब्लड होता है फिल्टर होकर के सारा फिल्ट्रेट मतलब किसी को निचोड़ दो तो जो पानी निकल के बाहर आया तो उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, वो सारा फिल्ट्रेट यहां से फिर आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसकी पूरी मैकेनिज्म समझेंगे अभी हम लोग, यहां से सारा फिल्ट्रेट ये आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और जो ब्लड फिल्टर हो गया है वो यहां से ऐसे करके उसकी जो नली होती है वेसल होता है ब्लड वेसल होता है वो यहां से बाहर निकलता है और बाहर निकल के अभी जाता ये नहीं है। देखो यहां पे जो फिल्ट्रेट होता समझ में आ गया, फिल्ट्रेट मतलब जो छना हुआ है ना, फिल्टर मतलब चाय को हम लोग क्या करें, चाय बन गई, चाय पत्ती जब छानते हैं तो जो चाय छन के आ गई उस छनी हुई चाय को फिल्ट्रेट कहा जाएगा, है ना, छनी हुई चाय को फिल्ट्रेट कहा जाएगा। तो यहां से आप आइडिया लगा लो फिल्ट्रेट क्या चीज है, यहां पे लिख देता हूं समझने के लिए, छनी हुई चाय को फिल्ट्रेट कहा जाएगा, ये मत कह देना कोई कि सर अच्छा तो चाय में चाय पत्ती तो गंदगी थी तो किडनी ने क्या गंदगी रख ली, अरे नहीं भाई वो तो अपने अच्छी चीजें साथ में ले गई और जो गंदगी थी उसको छान के ले गई, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, यहां पे फिल्टर्ड ब्लड है और जो चीज निकल आया बाहर उसको क्या नाम मिलता है, फिल्ट्रेट, ये वर्ड बहुत बार आएगा इसलिए मैंने समझा दिया, जो छन के चीज बाहर निकल आए उसे क्या कहा जाएगा, फिल्ट्रेट। उदाहरण के तौर पर मैंने चाय से उदाहरण लेके समझाया है, कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है ना, फिर कह दो कुछ और है। यहां से फिल्ट्रेट, अब फिल्ट्रेट बोलूंगा बार बार मैं, अभी दिक्कत है किसी को पॉज करके देख ले, बार बार फिल्ट्रेट बोलूंगा, ध्यान रखना, फिल्ट्रेट मतलब जो चीज छन के बाहर आ गई है, यानी कि जो चाय में छान ली उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है, अब नहीं बताऊंगा। चलो ये फिल्ट्रेट यहां से घूम करके, ये है ट्यूब्यूल, ट्यूब मतलब ट्यूब तो पता ही है, पतले पतले कोई भी चीज ट्यूब बोल देते हैं, तो क्योंकि ये भी पतले पतले घूमे हुए होते हैं तो इनको ट्यूब्यूल बोल दिया जाता है। अच्छा इनके खास नाम है, स्टार्टिंग में जो ये मोटा था देख लो ये इसको हम लोग कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल मतलब आगे वाला कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अभी बताऊंगा डिटेल में आएगा। ये होता है डीसीटी, डिस्टल यानी बाद वाला, ये जो हिस्सा है यहां से लेके ये पतला वाला ये गया और यहां तक, ये यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। बच्चों मैं फिर कह रहा हूं ये डायग्राम या आपको समझाने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, बट अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है दिमाग में तो इसके फंक्शन या यूज समझने में दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। तो इसे देख लो, ये है लूप ऑफ हेनली। अब देखो ये जो ब्लड छनने के बाद यहां से वापस जो कैपिलरी निकली थी, जो ब्लड की कैपिलरी निकल के आती है, वो इस लूप ऑफ हेनली और इस बोमन कैप्सूल पीसीटी को क्या कर ले रही है, लपेट दायां बायां करके देख लो, इसके आसपास एक जाल सा बुन लिया इसने, ठीक है ना।
ये जो इसने जाल सा बुन लिया है इसी को हम लोग कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, यानी कि यही जो नली आई है यहां पे इसके आसपास क्या है, देख लो जाल मुआ बुन लिया, इसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। फाइनली फिर होता क्या, यहाँ छना हुआ सारी प्रोसेस होती है, प्रोसेस समझेंगे डिटेल में, यहाँ चला गया डीसीटी है। फाइनली यहाँ पर इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे हमारी क्या होती है, यूरिन कलेक्ट होती है और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से होती हुई फाइनली यूरेटर से होती हुई बाहर निकल आती है, ठीक है ना। और जो ब्लड फिल्टर हो गया उसको यहाँ दिखा रखा है, फिल्टर्ड ब्लड, ये अच्छा वाला ब्लड बाहर आ गया, सारी गंदगी इसने नेफ्रॉन ने साफ कर दी। समझेगा अभी डिटेल में से, क्लियर है बात ये, ओके। तो ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझा रहा हूं मैं, अभी फंक्शन अभी करेंगे, बात समझ आ रही है। तो देखते हैं यहां पर क्या है, अब देखो यहां पर छोटा सा फंक्शन थोड़ा सा इस तरह समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको डिटेल में लेंगे हम लोग। क्या है देखो, अब यहां से जो आर्टरी थी ब्लड लेके अंदर आई, उसने यहां पर छान दिया, छना हुआ पहला जो पहला पॉइंट यहां पर आ गया, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। अब होगा क्या, ये आगे बढ़ेगा। तीन पॉइंट होते हैं यूरिन के बनने में, तीन बड़े प्रोसेस होते हैं, या फिर यूं कह लो कि पेशाब के बनने में तीन बड़े प्रोसेस होते हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन जो यहां पर हो गया, दूसरा होता है रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है, बहुत सारा पानी छन जाता है, मैं बता दूं एक दिन में हमारी बॉडी लगभग 180 लीटर पानी छान देती है, बार बार जाता है ना बाहर खून किडनी में। अब 180 लीटर पानी अगर बॉडी से निकल गया तो गए हम लोग, और उलट इसके हम लोग दिन भर में मुश्किल से 1.5 लीटर से लेकर के 2 लीटर मुश्किल से पेशाब करते हैं, यानी कि 178 लीटर पानी वापस से क्या हुआ हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, बात समझ में आई। अब वो वापस हमारी बॉडी में चला गया, इसीलिए रीअब्जॉर्प्शन। बहुत सारा न्यूट्रिएंट कई बार ग्लूकोज वगैरह है वो बाहर निकल आता है फिल्ट्रेट में, तो उसको भी वापस से बॉडी को लेना होता है। तो दूसरी प्रोसेस जो होती है वो कहती है रीअब्जॉर्प्शन। कहां होती है रीअब्जॉर्प्शन, इन ट्यूब्स में हो रही है, तो नाम पड़ गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, बात समझना। ट्यूबुलर सिक्रीशन, अब कई बार क्या होता है जब ये वापस से रीअब्जॉर्ब कर रही होती है तो कुछ वेस्ट मेटल कुछ ज्यादा ही रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जैसे कि यूरिया वगैरह, तो वापस से उसको वो सिक्रीट कर देगी। सिक्रीट मतलब कोई चीज को छोड़ना, वापस से सिक्रीट कर देना, ठीक है। तो और थोड़ा देख लें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या, वाटर एंड सॉल्यूट्स स्मॉलर देन प्रोटीन, जो प्रोटीन से छोटे हैं आर फोर्स्ड, उनको धक्का दिया जाता है थ्रू द कैपिलरी वॉल, कैपिलरी की दीवार से एंड पोर्स छेद से, दीवारों से छेद से ऑफ द ग्लोमेरुलर इज, ये जो यहां पे कैपिलरीज है, ठीक है ना, ये क्या है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, देखो ना साफ क्लियर दिखा रखा है, यहां से जबरदस्ती धक्का दिया जाता है बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल, कौन बाहर निकलेंगे, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन वाले मतलब के हैं, बाहर कौन निकलेगा, बाहर निकलेंगे पानी और कुछ प्रोटीन से छोटे छोटे पार्टिकल जो कि क्या है एक तरह का वेस्ट है, ठीक है। कैप्सूल इनटू द रीनल ट्यूबुल, रीनल वर्ड अगेन बता दूं मैं, रीनल जो होता है रीनल वर्ड, रीनल का मतलब किडनी होता है, ठीक है ना, रीनल का मतलब किडनी होता है, ट्यूब्यूल मतलब जो इसमें पाइपिंग सिस्टम है उसको ट्यूब्यूल बोल दिया जाता है, ठीक है, ओके। देन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, बी वाला पार्ट जहां पे ट्यूब्यूल है, वाटर ग्लूकोज अमीनो एसिड एंड नीडेड आयन, जो आयन की हमें नीड मतलब जरूरत है, आर ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द फिल्ट्रेट, उनको वापस से ट्रांसपोर्ट आउट कर लिया जाता है, बाहर निकाल लेता है, भाई तुम बाहर आ जाओ, बाहर चले गए तो बंदा मर जाएगा, है ना, ड्रिप करने से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जिनकी जरूरत है उनको वापस से बाहर निकाल लिया जाता है, आउट ऑफ द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट से बाहर निकाल लिया जाता है। जिनको फिल्ट्रेट में वर्ड क्लियर नहीं हुआ वो पॉज करके पहले फिल्ट्रेट वर्ड क्लियर कर ले अपना, ठीक है, ट्यूब्यूल सेल एंड देन एंटर द कैपिलरी ब्लड। और फिर यहां पे बगल में मैंने क्या था, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है ना, यहां से निकल करके ये यहां आ जाते हैं, क्लियर है, ओके। फिर क्या है ट्यूबुलर सिक्रीशन, फाइनली क्या होता है कुछ चीज अगर ज्यादा एक्स्ट्रा आ गई है तो क्या होता है, जैसे कि क्रिएटिन और कुछ ड्रग्स वगैरह जो हमने ड्रग्स खाए थे लीवर ने तोड़फोड़ दिए हैं, उनको बॉडी से बाहर निकलना है, ठीक है ना, लेकिन वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो गए, तो क्रिएटिन है कुछ ड्रग्स वगैरह है रिमूव फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये वापस से यहां पर क्या कर दिए जाते हैं, डाल दिए जाते हैं और फाइनली हमारी यूरिन जब बन जाती है तो ये जाकर के उसमें निकल आते हैं। अब क्या है मोटी मोटी बात समझ में आ गई होगी, तीन प्रोसेस होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब कौन सी चीज किस हिस्से में हो रही है, आओ उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लें ताकि टॉपिक हमारे पास और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो अब ये थोड़ा सा डिटेल, ठीक है, अब तुमको थोड़ा सा और अच्छा फील आएगा क्या हो रहा है। देखो
अब जो ब्लड लेकर के इसके अंदर जाएगा, किसके अंदर? बोमेन कैप्सूल के अंदर। ये क्या था यहां पर? दिस इज बोमेन कैप्सूल। ठीक है ना, इसके अंदर क्या है? ग्लोमरुलस है ना, ये ग्लोमरुलर कैपिलरी। जो ब्लड लेके कैपिलरी जाती है उसको हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझते चलो, जहां इंपॉर्टेंट आएगा बताऊंगा मैं। फिर एफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड लेके निकल गई उसको हम लोग क्या कहते हैं? इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। ये पार्ट स्टार्ट हुआ मोटा वाला, ये पार्ट स्टार्ट हुआ क्या? मोटा वाला, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पीसीटी। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है, हिंदी लिख लो, प्रॉक्सिमल मतलब आगे वाला और डिस्टल मतलब पीछे वाला। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। होता क्या है, मोटा मोटा पाइपिंग चली आती है, फिर एक बीच में फिर पतली पाइपिंग आ जाती है। पतली पाइपिंग का मैंने क्या नाम बताया था? यहां से लेके यहां तक इस पाइपिंग को क्या कहते हैं? लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। फिर यहां से मोटी पाइपिंग स्टार्ट हो जाती है, इसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फाइनली होती हुई ये कहां जा रही है? कलेक्टिंग डक्ट में जा रही है। ठीक है, अब देखो कहां पर क्या हो रहा है। ओके, इस वाले हिस्से में फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस वाले हिस्से में फिल्ट्रेशन हो रहा है। यहां पर जब आए हम लोग तो पीसीटी में मेन काम क्या स्टार्ट हो गया? रीअब्सॉर्प्शन। क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है? थोड़ा बहुत हिंट दे रखी है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सोडियम प्लस एंड वाटर, ये सारी चीजें क्या हो रही है? वापस से इस कैपिलरी में आ रही है। अच्छा, ये कैपिलरी मैंने बताया सर जाल टाइप बना लेती है, तो हमने इसको एक लाइन में दिखा दिया इस तरीके से, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, जो इसके आसपास लिपटी रहती है। ये सब चीजें रीअब्सॉर्ब हो गई। अब वापस जब जाते हुए यहां पर देखो क्या चीज सिक्रीट हो रही है। ठीक है ना, क्या कहते हैं? सिक्रीट हो रही है, सॉरी अभी भी क्या चीज है। और यहां पर जब ऊपर जा रहे हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, क्या क्या चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम और क्लोरीन, ये एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट कराता है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। फिर हम थोड़ा सा और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को थोड़ा सा आखिरी छोर की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या क्या चीजें सिक्रीट की जा रही हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के द्वारा? कुछ ड्रग्स, H+, H+ क्यों सिक्रीट किया जा रहा है? बॉडी का पीएच अगर बढ़ गया, सॉरी एसिडिक कंटेंट बढ़ गया, लेकिन पीएच अगर लो हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, तो एक्स्ट्रा H+ आयन को सिक्रीट कर देगा, K+ आयन को सिक्रीट कर देगा। फाइनली फिर वाटर यहां आ जाता है, अगर अभी भी पानी ज्यादा है, ठीक है ना, तो यहां पे भी एक कंडीशन है कि बॉडी क्या करेगी, यहां से पानी को बाहर निकाल लेगी, और ये इफेक्ट होता है एंटी डायुरेटिक हार्मोन का। और फाइनली अब जो यूरिन बन के तैयार हो जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? यूरिन कहलाती है, कनेक्टिंग डक्ट से होती हुई चली जाती है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? आई थिंक पूरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, यूरिन कैसे कैसे बन रही है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा तुमको गुड फील आ रहा होगा कि अच्छा यूरिन ऐसे बनती है। अभी भी कुछ बातें यहां पे हमें समझनी है, जो हम समझेंगे अगले डायग्राम में। चले आगे, चले आगे। ओके, आओ आगे। ये देखो मैंने यहां थोड़ा सा लिख दिया पहले से ही, ताकि चीजें समझ में आए। सेम डायग्राम है लेकिन विद पूरा फंक्शन के साथ है। ये वाला कौन सा है? ग्लोमरुलस है। जो क्या लिखा हुआ है? ग्लोमरुलस फिल्ट्रेट 125 ml पर मिनट। ये जो नेफ्रॉन देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? नेफ्रॉन है ना, ये लगभग 1 मिलियन होते हैं। कितने होते हैं? 1 मिलियन है ना, 10 लाख आसपास। तो 10 लाख का एक साथ काम करेंगे तो होता क्या है, लगभग लगभग 125 ml यूरिन पर मिनट बनता है, और उसको मल्टीप्लाई करना 24 घंटे से, तो 180 लीटर पेशाब बनती है हर पर डे। बट क्या 180 लीटर तुम लोग बॉडी से बाहर निकालते हो? नहीं। ठीक है ना, और 180 लीटर किससे बनती है? 5 लीटर ब्लड, हार्ट एक मिनट में क्या करते रहा? पंप करते रहा है। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ब्लड पंप हो चुका है किडनी से? 1800 लीटर। देख लो बॉडी कितने काम कर रही है, 1800 लीटर ब्लड को छाना, उसने छान करके उसमें से 180 लीटर पानी निकाला। अब समझो वो जो पानी यहां पर आता है, इस पानी को ये कर लिया गया क्या? वापस से रीअब्सॉर्ब। ठीक है ना, वापस से क्या कर लिया गया? रीअब्सॉर्ब कर लिया गया। क्या कहते हैं रीअब्सॉर्ब कर लिया, हमने बात कर ली थी। अब इस फिल्ट्रेट में देखो होती क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें होती हैं आप देख लें। इस फिल्ट्रेट में पानी है, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन बाइकार्बोनेट, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना, इसका यूज होगा।
बाइकार्बोनेट। एच प्लस है यूरिया, यूरिक एसिड क्रिएटिन, यानी कि फिल्ट्रेट हमारा छना, उसके अंदर ये सारी चीजें छन करके यहां आ गई किसमें, पीसीटी में। अब पीसीटी से क्या हो गया, वापस से चीजों को रीअब्सॉर्ब करना है, तो बहुत सारी चीजें वापस से रीअब्सॉर्ब हो रही है, सारी नहीं हो रही, बहुत सारी हो रही है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, वाटर, काफी सारी चीजें क्या हो रही है, रीअब्सॉर्ब हो रही है। अब क्या हो रहा है, ये बढ़ते बढ़ते आगे आ गई, ये सारी चीजें जब रीअब्सॉर्ब हो गई है, होता क्या, तुम लोगों को यहां पर एक चीज और बताऊं मैं, किडनी में जो वाला पार्ट बताऊं मैं, ये वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट, ये इस टाइप से ना ऐसे नीचे की तरफ रहता है, और ये ऊपर वाला पार्ट इस तरह से रहता है करके, ठीक है ना। तो ये जो अंदर वाला पार्ट है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये जो अंदर वाला पार्ट है किडनी का, इस अंदर वाले रीजन को हम लोग कहते हैं मेडुला, ठीक है। और जो इसके बाहर वाले, यानी कि एक मुट्ठी बंद कर लो, इसके दो हिस्से कर लो, एक बीच वाला है ना, यानी कि एक सर्कल ले लो, उसमें बीच वाला हिस्से को मेडुला कहा गया, और बाहर वाले हिस्से को क्या कहा गया, कॉर्टेक्स कहा गया। मैं क्यों ये बता रहा हूं, अब ये इसका जिक्र आने वाला है। अब होता क्या है, जो मेडुला वाला रीजन है, वहां पर जो मेडुला वाला रीजन है, यहां पर जो सेल्स मौजूद है, ठीक है ना, उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। इसका क्यों बता रहा हूं मैं, और देखें, अब देखो हुआ क्या, ये सारा फिल्ट्रेट में से ये सारी चीजें तो बाहर निकल आई। अब जो पानी आगे बढ़ता है, ठीक है ना, यहां तक आते आते, फिलहाल यहां तक आते आते, यहां तक आते आते जो फिल्ट्रेट है आइसोटोनिक विद प्लाज्मा, यानी कि इसके आसपास जो सेल है उनके साथ आइसोटोनिक हो गया है। आइसोटोनिक का मतलब है, जो लोग हिंदी वाले बात को समझे, आसपास वाले सेल और इसके अंदर जो फ्लूइड है, उन दोनों की सांद्रता बराबर हो गई है। जो कंसंट्रेशन इसका है वही कंसंट्रेशन यहां की सेल का है, जब तक ये यहां तक है, कहां तक, पीसीटी में, फंक्शन समझते चलना, ठीक है। अब जैसे ही ये आता है कहां पे, लूप ऑफ हेनली में, लूप ऑफ हेनली में होता क्या है, लूप ऑफ हेनली में जो इसके दो पार्ट है, एक नीचे आता हुआ और एक ये ऊपर जाता हुआ, तो जो नीचे आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, जो नीचे की तरफ आ रहा है। बात समझ में आ रही है, समझते हैं ना, बिल्कुल ध्यान में रखना, जो लूप नीचे आ रही है उसको हम लोग कह रहे हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। यहां पर क्या हो रहा है, इज मोर परमिएबल टू वाटर, यानी कि इसकी जो यहां पर लेयर है, यानी ये पानी को अपने अंदर से निकालने में सक्षम है, बहुत ज्यादा पानी को बाहर निकाल देती है। अब अगर यहां से पानी बहुत ज्यादा बाहर निकल जाएगा, तो इसके अंदर का जो फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हो जाएगा, कि इसके अंदर का फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बाहर मौजूद जो सेल्स और टिश्यूज हैं उनके कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगा, सांद्रता, फिल्ट्रेट की सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पानी यहां से बाहर जा रहा है, अभी मैंने बताया था मेडुला हैज मोर ऑस्मोलैरिटी। ये जो मेडुला वाला पार्ट है, मैंने बताया था ना, इतना हिस्सा अगर मैं इसको डिवाइड करूं, तो देखो कैसे डिवाइड होगा ये, अब मैं इसको करने जा रहा हूं, किस कलर से करते, इसी कलर से कर देते हैं, ये देखो, ठीक है, कट गया ये, चलो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, अच्छा लगा, ठीक है। ये रेशन बीच में, इसके नीचे वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा कहां मौजूद है, मेडुला में, और ये हिस्सा कहां मौजूद है, कॉर्टेक्स वाले रीजन में। फिर से ये नीचे वाला हिस्सा मेडुला में, ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स में, थोड़ा सा रिवाइज कर ले, कॉर्टेक्स, ठीक है ना, यहां पे हम समझ ले, यहां से भी क्लियर नहीं तो आप देखो, मैंने क्या बताया था, ये जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये जो बाहर वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स और अंदर वाला हिस्सा मेडुला। क्लियर हो गया बात, कि कॉर्टेक्स मेडुला का मतलब क्या हो गया, बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो अब देखो यहां पे क्या चल रहा है, ठीक है, तो यहां की जो आसपास के टिश्यूज हैं उनकी क्या है, वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं, तो यहां से सारा पानी बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस पता है ना क्या होती है,
ऑस्मोसिस पता है कि नहीं पता है? ऑस्मोसिस पता है कि नहीं पता है? लाओ देखिए जरा, ऑस्मोसिस थोड़ा सा बता दें, समझो ऑस्मोसिस क्या होती है। मान लो एक तुमने क्या ले रखा है, कंटेनर ले लिया है और उसके बीच में तुमने एक मेम्ब्रेन लगा दी है, क्या कहते हैं उसको हम लोग? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं उसको? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर तुमने एक, दोनों में क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया, बराबर वाटर 100 ml और वाटर 100 ml। अब तुमने क्या किया, इसके अंदर एक चम्मच, 1 teaspoon एक चम्मच नमक डाल दिया, NaCl। इसके अंदर तुमने क्या डाल दिया, 2 चम्मच नमक डाला। अब तुम लोग क्या देखते हो, जहां अब इसके अंदर 2 चम्मच NaCl है तो इसकी सांद्रता, इस वाले का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है। तो हम लोग क्या देखते हैं, पानी जो है यहां से यहां मूव करने लगा, ठीक है ना? इसी को कहा जाता है क्या, ऑस्मोसिस। जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है पानी उस तरफ मूव करने लगता है, जहां कंसंट्रेशन कम है। तो यही सारी कहानी है यहां पर, ठीक है? मैंने बताया मेडुला में यहां के आसपास के सेल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो पानी इस हेनली लूप से निकल निकल के बाय ऑस्मोसिस। मैंने वो क्यों समझाया, क्योंकि इसमें एक टर्म इस्तेमाल हो रहा है ऑस्मोसिस, तो बाय ऑस्मोसिस सारा पानी निकल के बाहर आता है, तो इसके अंदर का फिल्ट्रेट बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है? अब ये जब आगे बढ़ता है तो देखो क्या हो रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग लिंब इज, असेंडिंग लिंब, लिंब मतलब एक पार्ट, परमिएबल टू NaCl। ये पार्ट क्या है, NaCl को परमिएबल है, मतलब NaCl को तो बाहर निकालेगा बट नॉट फॉर वाटर, वाटर को बाहर नहीं निकालेगा। तो ये जितना ज्यादा कंसंट्रेट हुआ है ना, ये अपने अंदर से उतना ही ज्यादा NaCl को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। अब जैसे ही NaCl बाहर निकलेगा तो यहाँ का जो पानी है, इसके अंदर का जो फिल्ट्रेट है, इसके अंदर से बहुत सारा NaCl बाहर आ गया, तो Na+ एंड Cl- लूजेस आउट, वो बाहर आ जाएंगे डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेट, सॉरी loses out by diffusion। Diffusion पता है ना, high pressure से low pressure की तरफ किसी का move करना, या high concentration से low concentration की तरफ किसी का move करना, तो by diffusion ये यहाँ से बाहर आ जाएंगे, and filtrate become dilute, है ना? Dilute पता है ना, एक होता है concentrated, एक होता है dilute, dilute हो जाएगा, and isotonic with plasma, यानी कि यहाँ पर जो filtrate है, ठीक है? अब बात तो समझते हैं ना, एक पानी जो इसके अंदर आ गया, अभी बताता हूँ मैं, यहाँ पे आते हैं वापस से, तो यहाँ पर क्या हो गया, आइसोटोनिक, यानी कि वापस से इस पानी की सांद्रता और इस फिल्ट्रेट की सांद्रता आजू बाजू वाले सेल्स की सांद्रता से बराबर हो गई, यानी कंसंट्रेशन, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन बराबर हो गई। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें ध्यान देने वाली बात क्या है, कि पानी कहाँ कहाँ से बाहर निकला, पानी यहाँ से बाहर निकला पीसीडी से, पानी यहाँ से बाहर निकला कहाँ, लूप में निकल रहा है ना, एक ड्रग्स आई लूप यूरेटिक वाला, तो जहां जहां से पानी बाहर निकलने की संभावना है, ये ड्रग्स जो हम लेते हैं डायुरेटिक, ये वहां पे ब्लॉकेज मार देंगे, क्या कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। अब बात समझ में आ रही है, क्यों पढ़ रहे हो ये? तो जहां जहां से पानी निकल रहा है बाहर, उसको ये क्या करते हैं, ब्लॉक मारेंगे, तो सारा पानी फिल्टर होकर के कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से ब्लैडर में जाएगा और वहां से बाहर हो जाएगा। तो देखो एक पानी पीसीडी से निकलता है काफी ज्यादा मात्रा में, तो यानी कि डेफिनेटली कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो पीसीडी के ऊपर एक्ट करेंगी, कुछ ड्रग लूप ऑफ हेनली पे ऐड करेंगे, कि यहां से पानी बाहर निकलता है तो वो चाहेगा कि यहां से पानी बाहर ना निकले। अब देखो यहां पर बता रहा है, असेंडिंग लिंब में जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, किनारे वाला, वहां पर सोडियम पोटेशियम पंप होती है, क्या होती है, सोडियम पोटेशियम पंप होती है। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये बहुत सारा सोडियम को बाहर ढकेलती है, क्या करती है, सोडियम को बाहर ढकेलेंगी। जब ये सोडियम बाहर ढकेला जाता है ना, तो पानी भी इसके पीछे पीछे बाहर निकल आता है, बात समझना, सोडियम बाहर आएगा, कंसंट्रेशन बाहर का ज्यादा हो जाएगा, पानी भी पीछे पीछे आएगा। अभी हमने देखा था कि जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगा पानी वहीं भागेगा, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा पानी वहीं भागेगा। तो बस यहां पर यही हुआ है कि जैसे ये सोडियम क्लोरीन बाहर की तरफ आते हैं, तो यहां से पानी भी निकल निकल के बाहर की तरफ आने लगता है, ठीक है? तो एक कहीं ना कहीं रीजन यहां पर रहेगा कि हम यहां ब्लॉक मारे। फिर हम जब ऊपर जाते हैं, तो मैंने बताया सिक्रीशन वाला जो पार्ट आता है, यहाँ पर कोई ड्रग्स वगैरह सिक्रीट होती है, यहाँ पर हमारा कोई छिड़कानी नहीं है। आगे जब आते हैं फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं, तो एक रीजन यहाँ पर है जहाँ पे पानी बाहर निकलता है, तो यहाँ पर हमारी क्या है, कुछ मेडिसिन ब्लॉकेज मारेगी, ठीक है? तो पानी समझ गया कहाँ कहाँ। तो इसी तरीके से ये बन जाती है फाइनली यूरिन, ये कलेक्ट हो जाती है, यानी कि
ये सारे लंबी चौड़ी प्रोसेस होने के बाद यूरिन बनती है, कुछ चीजें वापस रीअब्सॉर्ब कर लेगी, कुछ चीजें सिक्रीट करेगी और एक मिला जुला कंसंट्रेशन यूरिन का बनके तैयार हो जाता है और वो बॉडी से बाहर हो जाता है। क्लियर है बातें? अब देखो, अब इसको समझने में ना मजा आएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्या हमारे पास। ओके, हमारे पास ना कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस मैंने समझा दिया बच्चों, ऑस्मोसिस समझाया ना। टर्म्स क्या है, ये टर्म समझ लोगे तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, क्लासिफिकेशन, अब तो क्लासिफिकेशन को समझने के लिए सारे टर्म्स करने पड़ते हैं। मुद्दा ये है, देखो लूप डायबिटिक, अब बच्चों को समझ में नहीं आता सर क्या है ये लूप, लूप लूप राइट, क्या है लूप, लूप मतलब हैनलीज लूप, लूप मतलब बोलो मेरे साथ, अरे लूप मतलब हैनलीज लूप, लूप मतलब हैनलीज लूप है ना। तो ये रहा लूप, हैनलीज लूप, लूप ऑफ हैनली। तो जो ड्रग्स यहां काम करेगी उस ड्रग्स को हम लोग क्या बोला करेंगे, उस ड्रग को बोला करेंगे लूप डायुरेटिक। अब देखो मजा आ गया, वो जो पीछे पढ़ा हमने अब हमको पढ़ना अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, लूप डायुरेटिक्स आर पावरफुल टाइप, पावरफुल टाइप की डायुरेटिक है दैट वर्क, दैट जो कि काम करती है बाय इनहिबिटिंग, इनहिबिट मतलब रोक देना, किसको, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड पंप। अरे बाप रे बाप, ये तो पढ़ ही रहे थे हम लोग, सोडियम पोटेशियम, यहां पे जो सोडियम पोटेशियम पंप था इसको रोक देगा, क्यों रोक देगा मैंने बताया ना, सोडियम बाहर निकलेगा तो पानी किसी बीच बीच बाहर निकलेगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम या सोडियम क्लोरिन को ट्रांसपोर्टर, जो को ट्रांसपोर्टर है ना मतलब एक के साथ एक निकलता है इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनली। एक्चुअली होता क्या है, ये जो यहां तो ठीक है, जैसे ही आखिरी में आते हैं ना तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनली थोड़ी सी मोटी हो जाती है, तो इसीलिए बोला गया इसे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनली, हैज द नेम लूप डायोरेटिक व्हिच इज लोकेटेड इन द किडनी। अब बात समझ में आया लूप डायोरेटिक क्यों कहते हैं, बस इस लूप डायोरेटिक कार्बोनिक एनहाइड्राइड इनहिबिटर इनको समझने के लिए हमें पूरा फंक्शन पढ़ना था, ठीक है ना। डायरी भी पढ़ सकते हो, रटने में ऐसा हिसाब हो जाएगा मजा बिल्कुल नहीं आएगा और समझने भी नहीं आएगा। क्लियर होगी बातें, तो सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देगा, पोटेशियम होना बंद हो जाएगा आगे जाना तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। फिर आते हैं दूसरे थायजाइड, थायजाइड डायुरेटिक्स आर अ टाइप ऑफ डायुरेटिक, ऐसे टाइप के डायुरेटिक है, अ ड्रग दैट इंक्रीज यूरिन फ्लो, ठीक है बात समझ में आती है, डायुरेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यूरिन को फ्लो को इंक्रीज कराएंगे। They act directly on the kidney, ठीक है, किडनी को डायरेक्ट करेंगे and promote diuresis, समझा दो diuresis मतलब यूरिन का फ्लो यानी कि यूरिन के फॉर्मेशन को by inhibiting, यहां से काम कैसे कर रहे हैं, क्या इनहिबिट कर रहे हैं, इनहिबिट मतलब फिजिकली फ्लो रोकना, जो चीज को रोक दे, by inhibiting the sodium chloride co-transporter located in the distal convoluted tubule DCT, DCT इस DCT में ये जो यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम का यहाँ पे भी लगे होते हैं, यहाँ से सोडियम और पोटेशियम जो बाहर आता है उसको ये DCT के सोडियम पोटेशियम पंप पे एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। यहाँ से सोडियम बाहर आएगा तो पानी बाहर आ जाएगा, पानी यहां से बाहर आ गया तो यूरिन हमारी ज्यादा तैयार नहीं होगी, तो बात समझ में आ गई। ये कहां काम कर रहे हैं थायजाइड, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब मैं बोलूंगा डीसीटी, तो ये वाला हिस्सा क्या है, डीसीटी है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, गुड, ठीक है। ऑफ नेफ्रॉन द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन के लिए लिखा हुआ है कि ये एक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है। फिर कह रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें अगर हम लोग, देखो जहां कहीं भी एज लग जाता है इसका मतलब वो एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या कर रहा है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम के एंजाइम को रोकने वाली दवा क्या करता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स आर वीक डायुरेटिक्स, पहली बात तो वीक के लिए, विद द मेन साइट ऑफ एक्शन इन द प्रॉक्सिमल, मेन काम कहां करते हैं ये, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ल्यूमेन या ट्यूब्यूल, ठीक है। ब्लॉकेट, अगर ये ब्लॉकेट किसको रोक दे, ब्लॉक कर दे किसको, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को, लीड्स टू डिक्रीज बाइकार्बोनेट एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन वाया द सोडियम बाइकार्बोनेट
को ट्रांसपोर्टर। अब देखो यहाँ पर जो है जो सोडियम और साथ साथ मैंने यहाँ लिखा था ना बाइकार्बोनेट, देखो ये आगे यहाँ पर मैंने समझाया था स्टार्टिंग में, यानी कि जो सोडियम और बाइकार्बोनेट जो ट्रांसपोर्टर है ना जो इसको ढकेल रहे हैं यहाँ से इस पीसीटी में इनको जबरदस्ती बाहर ढकेल रहे हैं, जब पीछे जब ये बाहर ढकेले जाते हैं तो इनके पीछे पीछे कौन आता है, पानी भी आ जाएगा। जब इनको रोक दिया जाएगा तो पानी भी यहाँ पे बाहर निकलने को नहीं चाहेगा, क्योंकि अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ा रहेगा तो पानी भी अंदर पड़ा रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कौन? पानी। ठीक है, रिजल्टिंग इन रिड्यूस वाटर रीअब्जॉर्प्शन। अब जब वो वापस बाहर नहीं निकलेंगे तो पानी का रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे आते हैं, फिर कह रहा है पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स, यानी कि क्या हो गया, पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक्स एक्ट टू प्रिवेंट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या कर रहा है, सोडियम के रीअब्जॉर्ब होने को रोक रहा है। रीअब्जॉर्प्शन मैंने बताया था, यहां से देखो सोडियम है, ये सोडियम है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा अगर तो पीछे पीछे पानी भी आएगा, है ना, तो सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ही रोक देता है ये, यहां पर है ना। तो क्या कह रहा है, पोटेशियम स्पेरिंग जो डायरेटिक्स है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को रोक दे रहे हैं इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। एक्चुअल में काम कहां कर रहे हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, है ना, ये हमारे पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, यहां पर ये काम कर रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं, इन काम में हम लोग यहां पर कलेक्टिंग में दिस प्रिवेंट एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ के प्लस। इसकी वजह से क्या होता है, के प्लस बहुत ज्यादा निकलेगा यूरिन में एंड डिक्रीज रिटेंशन ऑफ वाटर। जब के प्लस बहुत ज्यादा निकलता है, ठीक है ना, तो पानी क्या रहेगा हमारे पास, जब के प्लस बहुत ज्यादा रहेगा तो पानी रुकेगा नहीं, पानी के साथ साथ में बाहर निकलता रहेगा और क्या रहेगा, यूरिन बनती रहेगी बहुत ज्यादा। दूसरा देखते हैं अगला हम लोग क्या है, इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड के प्लस सिक्रीशन। सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को रोकना है और के प्लस सिक्रीशन को रोकना है, इनको रोकने वाले के प्लस को सिक्रीट करने वाले, यानी कि के प्लस जो सिक्रीट करते हैं वापस, सिक्रीट का मतलब क्या है, सिक्रीट का मतलब है के प्लस वापस कहां आ रहा है, ठीक है ना, यहां पर ये नहीं किए हमें, ठीक है ना, के प्लस क्या किए हमें, बाहर के लिए। तो अब देखो क्या बोल रहा है, दे एक्ट बाय डिमिनिशिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को डिमिनिश कर देंगे, कम कर देंगे एट डिफरेंट साइट, यानी कि अलग अलग जगहों पर इन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में देर बाय, जिसके द्वारा इंक्रीज यूरिनरी सोडियम, यूरिन का सोडियम को बढ़ा देंगे जिससे कि वाटर लॉस बढ़ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, जब सोडियम बाहर जाएगा ही नहीं तो पानी बाहर जाएगा नहीं, पानी ट्यूब्यूल्स के अंदर ही रहेगा, ट्यूब्स के अंदर और बाहर निकलेगा। देन फाइनली क्या आता है, ऑस्मोटिक डायुरेसिस। ठीक है, ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स प्रोड्यूस डायुरेसिस बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द किडनी। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, ये वाला डक क्या करेगा, यहां पर मैंने बताया था क्या था, कंसंट्रेशन ज्यादा था तो ऑस्मोसिस हो रही थी, ये ड्रग्स क्या करेंगे, इस सॉल्ट जो इसके अंदर फिल्ट्रेट है ना उसके कंसंट्रेशन भी बढ़ा देंगे। जब इस सॉल्ट का यानी कि इस फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा तो पानी क्यों बाहर निकलना चाहेगा, है ना, जैसे कि हमने देखा था कि पानी जहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन पानी भाग रहा है। ठीक है, मैं यहां पे अंदर के सॉल्ट का भी, अंदर के जो फिल्ट्रेट है इसका भी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो पानी क्यों बाहर आएगा, पानी वही बना रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो बस यही खेल है यहां पर, बाय ऑस्मोटिक डायुरेटिक प्रोड्यूस डायुरेसिस बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द किडनी। व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस द वाटर इज नॉट रीअब्सॉर्ब्ड बाय द किडनी एनीमोर, किडनी के द्वारा वो रीअब्सॉर्ब नहीं किया जाएगा एंड इट इज एक्सक्रीटेड आउट, बाहर निकल जाएगा ऑफ द बॉडी अलोंग विद सोडियम एंड पोटेशियम टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वहां से बाहर निकल जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं ये सारी बातें जब तुमको समझ में आ जाएंगी तो इसके बाद जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन। देखो अब हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में अब मेरे को बहुत ज्यादा चीजें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर से कह रहा हूं वीडियो को चाहो तो पॉज करके ये सारे जो मीनिंग है इन मीनिंग को अच्छे से क्लियर कर लो, जिससे कि अगला जो स्टेप आएगा हमारे पास क्लासिफिकेशन, ये हम बहुत कायदे से जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखो क्लासिफिकेशन, ड्रग्स को मैं सीधे बांट दिया, हाई एफिकेसी डायुरेटिक या हाई सीलिंग या लूप डायुरेटिक। अब लूप डायुरेटिक जो एक्ट करेंगी कहां पे, लूप ऑफ हेनली पे, सिंपल बात, ये एग्जांपल हो गया। मीडियम एफिकेसी डायुरेटिक, इसमें थायजाइड, थायजाइड क्या करते हैं हमने उसको डिस्कस किया, या थायजाइड लाइक,
या थायराइड की तरह थायराइड कहां कहां पे जाकर सोडियम पंप को रोक रही है या सोडियम को निकलने से रोक रही है, तो वो हमने सारा डिस्कस किया वहां पर, ये उसका एग्जांपल है। देन वीक डायुरेटिक में कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ये हमने डिस्कस किया अभी, पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक ये हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है ना, इनहिबिटर ऑफ सोडियम रीअब्सॉर्प्शन एंड के प्लस सीक्रेशन इसको भी हमने अभी डिस्कस किया। तो ये तीन तरीके से हम लोगों ने क्या किया, सारे डिस्कस किए यहाँ पर और देखा कि किस तरीके से ये यूरिन को फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनने में हेल्प करते हैं। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है ना, इसमें आते हैं स्पिरोनोलैक्टोन और एप्रिलिनोन। ये जो हमारे पास एल्डोस्टेरोन था जो कि हमारे पास क्या था, हार्मोन था जो हमारा एक्ट कर रहा था, उसका एंटागोनिस्ट है ये। ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स जो हमने देखा भी लास्ट में, ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स, तो देखो सारी बातें जो हमने डिस्कस करी यहाँ पर, थायराइड लूप डायुरेटिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक, इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम रीअब्सॉर्प्शन एंड के सीक्रेशन, है ना, देन ऑस्मोटिक डायुरेटिक्स, ये सारी बातों के नाम से ही यहाँ पर एक्चुअली क्या है ये सारा तुम्हारा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि एक ही पेज पे आ जाइए ताकि बात को समझ सको, उम्मीद कर रहा हूँ दिख रहा होगा, बड़ा कर दूंगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लासिफिकेशन देख सकते हो, 1, 2, 3 इसके अंदर वो सारी हेडिंग्स आ गई हैं जो मैंने एक्सप्लेन करी हैं। तो बस यहाँ पर यही चीज थी, मैं सीधा क्लासिफिकेशन पढ़ाने लगता कि हाँ लूप डायुरेटिक है, इसमें एग्जांपल याद करो ये कर लो, तो फिर तो बस क्या है लूप डायुरेटिक, क्यों बोला जा रहा है लूप डायुरेटिक, समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ अब ये सारी बातें तुम लोगों को अच्छे से क्लियर कट समझ में आ गई होगी। तो अब तो कुछ बचा नहीं, चले अब बहुत जल्दी से हमारा चैप्टर ये खत्म होगा, मेन समझने वाला काम निपट गया, अब स्टार्ट करें। तो सबसे पहला ड्रग है हमारे पास एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड सोल्ड अंडर द ट्रेड नेम, किसके किस नाम से सबसे ज्यादा बेचा जाता है, डायमॉक्स के नाम से, जो इसका सबसे ज्यादा ब्रांड है। एसिटाजोलामाइड इज अ सल्फोनामाइड डेरिवेटिव, इसके अंदर सल्फोनामाइड होता है उसी से बना हुआ है ये, विद डायुरेटिक जो कि डायुरेटिक है, एंटी ग्लोकोमा, ये ग्लोकोमा है ना, ग्लोकोमा होता है आंख के अंदर पानी सा भरता है, उस पानी को निकालने में हेल्प करेगा, है ना, जो डायुरेटिक है। एंड एंटी कन्वर्जेंट, इसके अंदर कुछ एंटी कन्वर्जेंट एक्टिविटी भी देखी गई है, एंटी कन्वर्जेंट मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से तुम लोग जानते हो। एसिटाजोलामाइड इज अ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, देखो इसको भी काम कर रहा है, ठीक है ना, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को भी रोक रहा है। अब क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस बोलूंगा ना मैं, खटाके तुम्हारा दिमाग मान जाएगा, अच्छा वो वाला है, ठीक है, बात समझ में आई। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी कॉम्पिटिशन नहीं करेगा, ऐसे रोकेगा उसको, ओके। फिर क्या रहा है, इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम इन द किडनी प्रिवेंट एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये एंजाइम जब रुक जाएगा, ठीक है, तो किडनी प्रिवेंट एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक्सक्रीशन यानी कि निकालना रोक देगा, लीडिंग टू इंक्रीज बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट, देखो क्या बोल रहा है, एच प्लस रहेंगे तो बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो बाहर निकलेगा नहीं, एंड कैटायन एक्सक्रीशन, ठीक है ना, क्या हो रहा है ये, increase bicarbonate and cation excretion and increase urinary volume, इससे क्या होगा, bicarbonate और cation का जो excretion है वो, इसे से बोलता हूँ, inhibition of this enzyme in the kidney prevent excretion of H plus hydrogen leading to increase bicarbonate and cation excretion, जिसकी वजह से क्या होगा, bicarbonate increase हो जाएगा और cation का excretion increase कर जाएगा, cations बाहर निकल जाएंगे, and increase urinary volume, इसकी वजह से urine का volume बढ़ जाएगा, which result in alkaline diuresis, alkaline का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, जब alkaline मतलब pH की value बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी pH value more than 7 हो जाएगी, तो मेरे पास ये कैसा हो जाएगा, ये alkaline हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग चाहो तो स्टार्टिंग का जो इंट्रो होता है, अगर कोई पर्टिकुलर लगता है कि लाइन टफ सी लग रही है, समझ में कम आ रही है, तो उसको हटा सकते हो, ठीक है ना, ओके। Acetazolamide reduces the concentration of bicarbonate, resulting in decreased synthesis of aqueous humor in the eye. अच्छा, ये काम था diuresis के लिए। ये acetazolamide का काम बता रहा है glaucoma, जो आँख के अंदर हो जाता है, उसमें कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना? दोनों का function दिखा रहा है ये। Reduce the concentration of bicarbonate, resulting in decreased synthesis of aqueous humor. अब जैसे ही bicarbonate की synthesis कम हो जाएगी, तो aqueous humor बनना कम हो जाएगा इन द आई, thereby lowering the intraocular, ocular मतलब आंख के अंदर वाला प्रेशर क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। ग्लूकोमा चाहो तो थोड़ा डिटेल दे सकते हो, थोड़ा हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, ठीक है। एसिटाजोलामाइड आल्सो हैज एंटी कन्वर्जेंट प्रॉपर्टी, एसिटाजोलामाइड आल्सो प्रोड्यूसेस रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट इफेक्ट, ये हमारे रेस्पिरेटरी यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं उनको भी एक्टिवेट कर देता है कई बार, इन रिस्पॉन्स टू चेंज टू बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए हमारी बॉडी में, ऑक्सीजन कम हो जाए,
दोनों ही कंडीशन में ये क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, अब इसमें अगर मोटा मोटा मतलब मेन मेन तुम लोग चाहो तो जैसे एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, चार पॉइंट लिख सकते हो, बाकी छोड़ सकते हो, जैसे ये दो पॉइंट तुम्हें हैवी लगते हैं तो इसको छोड़ सकते हो, और जो लोग याद लर्न कर सकते हैं याद कर सकते हैं वो लोग उसको लिखे और लर्न करें। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। देन आगे आता है केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर हमारे पास हमको पता है क्या नहीं है, स्टार नहीं है, तो केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर इसका अपने कोर्स में नहीं है, बट करते हैं थोड़ा सा केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग। तो ये क्या है, एस्टामाइड, और ये मेरे पास क्या है, एस्टामाइड ग्रुप है, ठीक है। देन एन पर क्या लगा हुआ है, 5-sulfamoyl, 1, 2, 3, 4, 5, 5 पर क्या लगा हुआ है, सल्फामोइल, ठीक है, 1, 2, 1, 1 पे लगा है थाया, 3, 4 पे थाया डाई एजो, 3, 4 पे दो एन है ना, तो डाई एजोल, ठीक है, 2-aryl, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2-aryl, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि जो इसका यूज है वो कॉमन यूज है, इसका थोड़ा सा दो चार यूज एक्स्ट्रा है तो देख लेते हैं। इट इज यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन, मोबिलाइजेशन ऑफ एडिमेटस फ्लूइड, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, यूज टू प्रिवेंट रीनल फेलियर, स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये दो इसमें एक्स्ट्रा है, ग्लोकोमा और अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन। जब कोई पॉइजनस रहती है हमारी बॉडी के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट रहता है उसको हम बॉडी के अंदर क्या करते हैं, रिटेन करवाते हैं। बॉडी का जो पीएच होता है, मतलब उसका जो यूरिन का पीएच होता है वो मोर देन 7 हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा जब बहुत ज्यादा यूरिन बनती है तो उस यूरिन का जो पीएच होता है वो मोर देन 7 हो जाता है। तो अल्कलाइनाइजिंग यूरिन टू ट्रीट पॉइजन, पॉइजन वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, यूरिन को अल्कलाइनाइज करते हैं जिससे कि मैक्सिमम यूरिन बॉडी से बाहर हो सके, और ग्लूकोमा, ये दो केस एक्स्ट्रा है। ये तीन ऐसे यूज हैं जो तुम सब में लिख सकते हो, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था हमने। स्टेबिलिटी स्टोरेज सबका सेम है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सॉल्यूशन अनरिकॉन्स्टिट्यूटेड है, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि इंजेक्शन बनाते हैं ना पाउडर और उसको मिला करके, तो अगर बनाया नहीं है अभी तो 20 से 25 में रख लो, लेकिन एक बार इंजेक्शन को मिला लिया अगर तो उसको रखना पड़ेगा, मिले हुए को रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ेगा 2-8 डिग्री सेंटीग्रेड में, और 12 घंटे के अंदर उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो कैप्सूल टैबलेट इंजेक्शन तीनों रूप में, ब्रांड नेम की बात करें तो एब्जोर एस्टामाइड एस्टामिन और डायमॉक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है, आगे आते हैं फ्यूरोसेमाइड, ठीक है, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है, इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर हमारे कोर्स में मौजूद है। तो क्या कह रहा है, फ्यूरोसेमाइड इज अ सल्फामोइल एंथ्रानिलिक एसिड, सल्फामोइल एंथ्रानिलिक एसिड, देखेंगे अभी यहां पर हम लोग डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव है आल्सो नोन एज फ्यूरोसेमाइड एंड पोटेंट लूप डायुरेटिक। कैसा है ये लूप डायुरेटिक, देखो मैं बोलता हूं लूप डायुरेटिक तो तुमको बातें समझ में आ जाती होंगी। इट इज यूज्ड टू ट्रीट फ्लूइड, किसको ट्रीट करता है, फ्लूइड बिल्डअप, जो पानी हमारी बॉडी में बन गया है, बिल्ड हो गया ड्यू टू हार्ट फेलियर, लिवर स्कैरिंग और किडनी डिजीज। लिवर स्कैरिंग हुई, लिवर की डिजीज, इसमें सेल्स और टिश्यू सोर्सेस के गड़बड़ हो जाते हैं। इट मे ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर में भी इस्तेमाल होता है। इट कैन बी टेकन बाय इंजेक्शन इनटू द वीन और बाय माउथ, या माउथ मुंह से ले लिया जाता है इसे। व्हेन टेकन बाय माउथ इट बिगिन वर्किंग विद इन द आवर, एक घंटे के अंदर ही अपना ये काम करना शुरू कर देता है। व्हाइल इंट्रावीनसली, यानी जब नस के अंदर लेते हैं, इट बिगिंस वर्किंग विद इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अपना काम करना शुरू कर देता है। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो और देख लें क्या है, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड ढूंढना यहां पर क्या है, ये देखो ये लगा हुआ है COOH, तो ये रहा मेरे पास बच्चों बेंजोइक एसिड। अब निकाल लो इसमें से, बेंजोइक एसिड है तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4 एंड 5, तो 4 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो, और 2 पे देखो क्या लगा हुआ है, ये एन लगा हुआ है ना, फ्यूरान, ये क्या लगा हुआ है, फ्यूरान, और 2-aryl, फ्यूरान 2-aryl मिथाइल अमीनो, फ्यूरान ये किससे लगा हुआ है, 1 और 2, 2 से लगा हुआ है तो 2-aryl, फिर ये क्या हो गया मिथाइल, ये CH यहाँ पे है तो मिथाइल और अमीनो, ये NH हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो पीछे चलते हुए आते हैं, देन 5 पे सल्फामोइल, ये 5 पे क्या लगा हुआ है, सल्फामोइल एंड देन बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गया नाम, ये अपने कोर्स में था, अच्छे से समझ लेना इसको। यूज की बात करें, वही तीन यूज जो मैंने ऊपर बताए थे, इसमें कुछ करना नहीं है। स्टेबिलिटी स्टोरेज वही तीन, घिसे पीटे से रूम टेम्परेचर पे लगाना है, सेव करना है इसे, स्टोर करना, सॉरी, कीप दिस ड्रग अवे फ्रॉम लाइट, लाइट से अलग रखना है, डोंट स्टोर दिस मेडिकेशन इन मॉइस्ट और
डैम्प एरिया सच एज बाथरूम या बाथरूम वगैरह जहाँ पे मॉइस्ट इलाका है वहां पे इसको नहीं रखना है। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट और इंजेक्शन दोनों रूप में है। ब्रांड नेम की बात करें फ्यूरोसमीन, फ्यूरोसिम और लेसिस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है ब्यूमेटानाइड, ब्यूमेटानाइड सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ब्यूमेक्स। ब्यूमेक्स के नाम से इसका काफी पॉपुलर ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल है। इट इज अ पोटेंट सल्फोमाइल। ये भी देखो क्या है, देखो एक ही चीज याद रखना है में सल्फामोइल एंथ्रानिलिक एसिड, ये भी वही उसी से बना हुआ है। बिलोंग टू क्लास ऑफ लूप डायुरेटिक। अगर क्लासिफिकेशन याद है तो ये तो कर ही ले जाओगे। इट इज यूज्ड टू ट्रीट स्वेलिंग एंड हाई ब्लड प्रेशर। सूजन और हाई बीपी को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इट इज टेकन बाय माउथ, माउथ से लिया जाता है और बाय इंजेक्शन इनटू अ वीन, है ना, या इंजेक्शन के थ्रू नसों में लिया जाता है या मसल्स के अंदर, ठीक है। इफेक्ट जनरली बिगिंस विद इन एन आवर, इसका असर एक घंटे में शुरू हो जाता है एंड लास्ट रहता है फॉर अबाउट 6 आवर, लगभग 6 घंटे तक रहता है इसका असर। केमिकल नेम स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो क्या ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, अगर इसमें क्या है 5 पर, ये देखो सल्फामोइल बेंजोइक एसिड, ये क्या है, दिस इज सी ओ ओ एच, इसको नहीं दिखा बता दूं मैं, तो ये मेरे पास क्या हो गया बेंजोइक एसिड हो गया, सेम वही है, ठीक है ना। और ये कहानी कहां आ जाएगी, देन 3-ब्यूटाइल 1-2 और ये आ गया 3, ठीक है ना। तो ये सी 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 1 2 3 4 1 2 3 और 4 3 पर क्या लगा हुआ है ब्यूटाइल अमीनो, ये अमीन है दिख रहा होगा। 4-फिनॉक्सी, ये क्या है फिनॉक्सी, ये किस पर लगा हुआ है फिनाइल और वो है तो फिनॉक्सी ना, इथॉक्सी मिथॉक्सी होता है। देन 5-सल्फामोइल बेंजोइक एसिड, क्लियर है। यूज की बात करें तो वही 3 यूज है इसके अंदर, ठीक है। स्टेबिलिटी स्टोरेज वही 3 पॉइंट है इसके अंदर। फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट और इंजेक्शन, ब्रांड नेम्स ये रहा। तो देखा बच्चों अब ये चैप्टर कितना आसान हो गया, प्रोग्रामने को वो अगर सारे फंक्शन पता है तो स्टार्टिंग में जो बहुत आसान हो गया, है ना, वही सारे पॉइंट है, बस एक जिसका कहा गया केमिकल स्ट्रक्चर और नेम वो अच्छे से पढ़ लेना। फोर्थ की बात करें तो क्लोरथैलिडोन, इसका नाम है, क्या नाम है, क्लोरथैलिडोन, ठीक है ना। इट इज अ थायजाइड लाइक डायुरेटिक, कैसा है ये, किस क्लास में आता है ये, थायजाइड लाइक डायुरेटिक ड्रग यूज्ड टू ट्रीट हाई बीपी, स्वेलिंग, ठीक है, हार्ट फेलियर। देखो जो इसके यूज है ना वही सब में कॉमन है, ये ड्रग उन्हीं में काम आते हैं, ठीक है। एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक मतलब जो किडनी के नेफ्रॉन्स जब खराब होने लगते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस और रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, अगर एसिडिक यूरिन का जो एसिडिक पन ज्यादा बढ़ने लगता है उस केस में। इन हाई बीपी इट इज प्रिफर्ड इनिशियल ट्रीटमेंट, अगर बीपी हाई हो तो हम लोग इसको जनरली इस्तेमाल करते हैं शुरुआती दौर में, बाद में नहीं। इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट कैल्शियम बेस्ड किडनी स्टोन, अगर आपकी किडनी में कैल्शियम वाले स्टोन बन रहे हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट इज टेकन बाय माउथ, ठीक है, केमिकल नेम स्ट्रक्चर अपने कोर्स में नहीं है बट हम देख लेते हैं इसका, बेंजीन सल्फो सल्फोनामाइड, ठीक है ना। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या है, ये रहा बेंजीन और ये रहा सल्फोनामाइड, ठीक है। 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, ये 1 और ये 2 पे क्लोरो लगा हुआ है, 3-4 और ये 5 पे क्या लगा हुआ है 1-हाइड्रोक्सी, ये C है, C यानी 1 हो गया, ठीक है ना। 1 पे क्या लगा हुआ हाइड्रोक्सी, 3 पे ऑक्सो लगा हुआ है 1, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, 3 पे ऑक्सो हो गया 2H, ठीक है। 2 पे क्या H यानी कि इसका सैचुरेशन खत्म कर दिया गया, यहां पे H लगा दिया गया है। आइसोनिडोल, ठीक है, निडोल 1I, ठीक है, 1 से जुड़ा हुआ है तो इडोल, ये पूरा ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहल है, तो ये इडोल हो गया, ऑल आ गया यहां पे, ठीक है ना। Then बेंजीन सल्फोनामाइड, ये मेरा मेन ग्रुप हो गया, क्लियर है बातें, ठीक है ना। आगे आते हैं इसका यूजेस में, देखो बच्चे वही सारे 3 यूज है, मैंने बहुत चेक किया, सब में वही सेम दिखा रहा था, स्टेबिलिटी स्टोरेज सबका सेम है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मुलेशन में टैबलेट है, ब्रांड नेम में क्या है थैलिजाइड, टेल्मिसेट सीटी, एम्लोवा सीएच और टेल्जा सीएच, ये से क्या है ब्रांड नेम है। आगे आते हैं बेंजथायजाइड, क्या नाम है, बेंजथायजाइड, आल्सो नोन एज बेंजोथायजाइड भी कह देते हैं इसको, ट्रेड नेम क्या है एक्वाटेक, डाइहाइड्रेक्स, डाइयुकेन, डाइयुसेन, एडिमैक्स, एक्सला और कोबेन एंड अदर्स, कुछ और भी है इसके, ठीक है। इट इज अ थायजाइड डायुरेटिक, अब थायजाइड से एजाइड से समझ लेना क्या है, ये थायजाइड डायुरेटिक है, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाई बीपी एंड एडिमा, तो सबका सेम ही है, ठीक है ना। दे इनहिबिट सोडियम क्लोरीन रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है ना, ये देखो वही वाला पार्ट आ गया,
सोडियम क्लोरीन के जो एक्सचेंज को मतलब उसको पंप को रोक रहे हैं फ्रॉम डिक्टल डीसीटी कहां से रोक रहे हैं डीसीटी से इन द किडनी किडनी के अंदर ठीक है अब क्या है कि देखो अगर यही चीज समझ में नहीं आएगी ना मेन तो ये क्या होगा परेशान करेगी अब क्या है ये चलो केमिकल लेमन स्ट्रक्चर देखें जरा इसका क्या है केमिकल लेमन स्ट्रक्चर इसमें हमारे पास मेन जो कंपाउंड है वो है सल्फोनामाइड ये रहा सल्फोनामाइड और साथ में क्या है ठीक है आगे देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है यहां से चलते हैं स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा मेन हो ही गया सल्फोनामाइड हमारा मेन आ गया तो ये आ गया मेरे पास क्या है थ्री यानी कि ये है मेरे पास थ्री वाले इस पे क्या लगा बेंजाइल ठीक है सल्फानाइल और मिथाइल ठीक है सिक्स पे क्या लगा हुआ है क्लोरो तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग ये आ गया वन टू थ्री एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे वन 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 डाइऑक्सो ठीक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट क्लियर है ठीक है ना तो हमारे पास क्या आ गया ये सिक्स पे क्या लगा हुआ है क्लोरो लगा हुआ है और वन वन दो लगे हुए तो डाइऑक्सो फोर एच ठीक है ना फोर पे एक एच लगा हुआ है टू फोर टू एंड फोर बेंजो थाया ठीक है ना टू फोर पे क्या लगा हुआ है थाया थाया लगा हुआ ना तो टू फोर बेंजो थाया डाई एजा ठीक है ना डाई एजा हो गया थाया यानी कि ये एस हो गया ठीक है बेंजो थाया डाई एजा सेवन सेवन पे क्या लगा हुआ है लगा हुआ है सल्फोनामाइड क्लियर है थोड़ा सा नेमिंग धीरे धीरे आ जाएगा तुम लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं वैसे भी अपने कोर्स में नहीं जस्ट समझने के लिए कि नेमिंग कहां से स्टार्ट की जाएगी और क्या किया जाएगा क्लियर है यूज की बात करें अगर हम लोग तो इट इज यूज टू ट्रीट वही सेम चीजें स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर नहीं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज है बच्चों स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज सेम रहेगा फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट में अवेलेबल है या हमारे पास दवाई और ब्रांड नेम की बात करें तो काफी सारे ब्रांड नेम है एक्वाटेक डाइहाइड्रेक्स डाइयूसेन वही वाले जो स्टार्टिंग में थे एक्सना और फोबेन क्लियर है अब आसान हो गया तो कितनी जल्दी चैप्टर खत्म हो रहा है जब स्टार्टिंग का बेसिक क्लियर हो गया तो मेट्रोलाजोन इज अ थायराइड लाइक अगेन थायराइड लाइक डायबिटिक है मार्केटेड अंडर द ब्रांड नेम जाइटेनिक्स मिटोस जेरोजोलाइन एंड माइक्रोक्स ठीक है इन नामों से मार्केट में अवेलेबल है इट इज अ प्राइमरी यूज टू ट्रीट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हार्ट की प्रॉब्लम होगी तो इस्तेमाल किया जाएगा एंड हाई बीपी ना हाई बीपी को लो करना है बॉडी के अंदर से पानी के प्रेशर को कम करना मेट्रोलाजोन इनडायरेक्टली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब इन द ब्लड स्ट्रीम बाय किडनी देखो ये क्या कह रहा है ये जो है इनडायरेक्टली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर इनडायरेक्टली जो बॉडी के अंदर पानी है उसको रीअब्सॉर्ब होने से रोक रहा है कहां से रोक रहा है किडनी से खून में आने से रोक रहा है so that blood volume decrease जो blood का volume है वो कम हो जाता है and urine volume increase पेशाब का जो volume बढ़ जाता है this lower BP इससे BP कम हो जाएगा and prevent excess fluid accumulation in the heart failure heart failure के केस में heart proper pump नहीं कर पा रहा उस केस में क्या करेगा fluid को excess body के अंदर इकट्ठा होने से रोक देगा chemical name structure की बात करें तो again जो यहाँ पर क्या है sulfonamide ठीक है ना और आते हैं हम लोग ये है हमारे पास पार्ट सेवन क्लोरो ओके और ये आ जाएगा हमारे पास वन टू डाइहाइड्रो क्विनोलाजोन हाँ देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा वन सॉरी वन ये नहीं होगा ये हमारे पास रहेगा क्विनोलाजोलिन और ये आ गया टू मिथाइल थ्री ठीक है ये आएगा वन टू थ्री एंड फोर पे ऑक्सो है ठीक है ठीक है वन टू डाइहाइड्रो क्विनोला जो अब देखो पहले इसको इतना करते हैं हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ठीक है ना सेवन पे क्या है क्लोरो है ठीक है टू पे मिथाइल है ये सी एच थ्री ठीक है थ्री पे क्या लगा हुआ है बेंजीन और साथ में CH3 तो 2 पे मिथाइल ये 1 और ये 2 2 पे मिथाइल और ये पूरा फिनाइल 4 पे ऑक्सो जो कीटो वाला ग्रुप होता है 1 और 2 डाइहाइड्रो 1 और 2 दोनों पे क्या लगा हुआ है HS लगा हुआ है किनोलाजोलिन 6 सल्फोनामाइड ठीक है ना C पे क्या लगा हुआ है सल्फोनामाइड लगा हुआ है क्लियर है तो ये थोड़ा सा नेमिंग है
आगे आते हैं यूज की बात करें इसको हम लोग, तो यूज इसके सारे सेम है, ठीक है मैं चेक कर चुका हूँ, स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है। फॉर्मुलेशन की बात करें टैबलेट है, ब्रांड नेम की बात करें तो हमने पढ़ी ली है जेटनिक्स, मिटोज, ज़ेरोक्सोलोन और मिक्रो, ठीक है ना। तो ये सारे कॉमन कॉमन चीजें हैं जो तुम लोगों को याद रखनी है। आगे देखते हैं क्या है। सेवंथ वाला है हमारे पास ज़िपामाइड। ज़िपामाइड इज अ सल्फोनामाइड बेस्ड डायुरेटिक। कैसा है ये? सल्फोनामाइड बेस्ड डायुरेटिक। ज़िपामाइड एक्ट ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी पे काम करता है। इन एडिशन दिस एजेंट हैज अ वीक इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज पे भी थोड़ा बहुत असर डाल देता है, ये इसका मेन पॉइंट हो गया। ये मार्केट की जाती है कंपनी इलाइन ली के द्वारा अंडर द ट्रेड नेम एक्वा फोर एंड एक्वा फोरिन। मेन जो इसका ब्रांड नेम है कौन कौन है? एक्वा फोर एंड एक्वा फोरिन। इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओडिमा एंड हाइपरटेंशन। ओडिमा एंड हाइपरटेंशन के उसमें इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम लोग, तो इसमें क्या हमारे पास सल्फामोइल बेंजामाइड, ठीक है ना। तो हम लोग यहां बात कर ले अगर, ये देखो CONH, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास बेंजामाइड, ठीक है ना। अब इसके हम बात कर ले तो 1, 2, 3, 4 और 5, 5 पे क्या लगा हुआ है? सल्फामोइल लगा हुआ है, ठीक है। 2 पे क्या लगा हुआ? हाइड्रोक्सी OH लगा हुआ है। 4 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो लगा हुआ है। और एन पे क्या लगा हुआ है? इसको 1 मान ले तो 2, 3, 4, 5 और 6, तो 2, 6 डाइमिथाइल फिनाइल, ये एक सी ये है, एक सी ये है, तो 2, 6 डाइमिथाइल फिनाइल लगा हुआ है। क्लियर है बातें? यूज की बात करें तो वही सारे सेम है, स्टेबिलिटी स्टोरेज सब कुछ सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट है, ब्रांड नेम क्या है? एक्वा 4 और एक्वा 4। क्लियर है। देन लास्ट ड्रग हमारे पास स्पायरोनोलैक्टोन, काफी कॉमन ड्रग है, अगर किसी लोगों के घर में हार्ट की प्रॉब्लम है तो लोग देख सकते हो, उनको ड्रग होगा लैसिक्स या शायद दवाई रहती है उसमें स्पायरोनोलैक्टोन रहता है हमारे पास, ठीक है। इस स्पायरोनोलैक्टोन की बात करें तो सोल्ड होता है, ब्रांड नेम क्या है? एल्डेक्टोन, ठीक है। इट इज यूज्ड टू ट्रीट फ्लूइड बिल्डअप, जो बॉडी के अंदर फ्लूइड बिल्डअप हो गया है ना, फ्लूइड बन गया है ड्यू टू हार्ट फेलियर, लिवर स्केरिंग और किडनी डिजीज, ठीक है। ये एक चीजें कॉमन है, ये वाले चैप्टर में बहुत सारी चीजें कॉमन है, जो कॉमन याद कर लो तो हर ड्रग में लिखी जा सकती है। बात समझ में आ रही है? Also used in treatment of high BP, ठीक है, low blood potassium, अगर body का potassium low हो गया है, जो कि हम लोग supplement ले रहे हैं, है ना, supplement ले रहे हैं potassium को, उसके बाद भी improve नहीं हो रहा, उस case में भी इस drug का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, वो sodium में secretion को, sorry, उसके potassium में secretion को रोक देगा। Early poverty in the boys, poverty मतलब वो अवस्था जब sperm बनना शुरू होते हैं body के अंदर, अगर boys में जल्दी आ जाए, ठीक है ना, तो problem होता थोड़ा सा। एक्ने, मुहासे, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, बॉडी में बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो रही है वुमेन्स में, एंड एज ए पार्ट ऑफ ट्रांसजेंडर हार्मोन थेरेपी इन ट्रांसफेमिन पीपल, ठीक है ना। जो ट्रांसफेमिन पीपल होते हैं ऐसे, ट्रांसफेमिन मतलब ऐसे लोग जो जैसे लड़का है लेकिन फीलिंग अंदर लड़कियों वाली है, लड़की अंदर फीलिंग लड़कों वाली है, और फिर आगे जाके वो अपना क्या करते हैं, सेक्स को चेंज कराने की कोशिश करते हैं, और फिर जो दवाइयां वगैरह ली जाती है उसमें भी इसका काफी ज्यादा रोल रहता है। स्पायरोनोलैक्टोन इज टेकन बाय माउथ। स्पायरोनोलैक्टोन इज एन एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, एंड पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक। कैसा है ये? मेनली ये ले सकते हैं हम लोग पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक, यूज्ड इन थेरेपी ऑफ एडिमा, जब सूजन वगैरह आ जाए, पर्टिकुलरली इन पेशेंट विद सिरोसिस। सिरोसिस मतलब जो लीवर की अंदर सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं लीवर का रोना। लीवर का रोने का मतलब होता है लीवर अपने अंदर से कुछ टिश्यूज वगैरह डैमेज होते हैं, तो अपने अंदर से खास तरह का फ्लूइड निकालना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? यूज की बात करें अगर हम लोग, तो ये सेम है, स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम है, फॉर्मुलेशन टैबलेट कैप्सूल के रूप में है, और ब्रांड नेम क्या है? एल्डेक्टोन, वेल्टोन, लैसिक्लेटोन और स्पाइनेक्टोन। क्लियर है? ओके, तो ये हमारे पास क्या था, हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, और चैप्टर नंबर 8 जो था ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चे इसमें स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा समझने के लिए बाद में चैप्टर तो उन्होंने देखा कि अरे सर बाद में चैप्टर तो कुछ भी नहीं है, है ना, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो स्टार्टिंग वाला अगर समझ में आएगा तो बाद वाला चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है, और थोड़ी सी स्ट्रक्चर वगैरह लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो बच्चे चैप्टर नंबर 4 की डिमांड कर रहे हैं परेशान ना हो, चैप्टर नंबर 4 इतना डिटेल में पढ़ा दूंगा कि तुम लोग नॉर्मल क्लियर ऐसे ही करने लगोगे, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है करा दूंगा, लेकिन अभी एक सीक्वेंस चल रहा है खत्म हो जाने दो, उसका जो भी बचा वो पार्ट है वो सब करा दूंगा,
मैं कौन सा सेकंड चैप्टर सेकंड सब्जेक्ट पढ़ाऊं, ये भी आप लोग थोड़ा सजेस्ट करें। जो लोग इस वीडियो को देखें वो एक कमेंट जरूर करें कि सर सेकंड अगला सब्जेक्ट मेरे को ये पढ़ाना है, जो सब्जेक्ट उनको टफ लग रहा हो वो मेरे को बता दो कि बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा तो मैं उस सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे कि टाइम से उसको भी मैं खत्म करा सकूं। क्लियर है? तो क्या करना है, पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करनी है और रिवाइज करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।